कहते कि पुराना ही अच्छा होता है, नए का क्या भरोसा। ये बात बलिया रेलवे स्टेशन पर बिल्कुल सही साबित हो रही है। तस्वीरें दिखाता हूं मैं आपको, बलिया रेलवे स्टेशन की दो तस्वीरें मैं एक साथ दिखाने जा रहा हूं। दोनों ही तस्वीरें बलिया रेलवे स्टेशन की है। एक तस्वीर पहले की है जिसमें रेलवे स्टेशन पर बनी पुरानी गुंबद दिख रही है, और दूसरी तस्वीर रेलवे स्टेशन पर हुए निर्माण कार्य के बाद की। इसमें खास तस्वीर ये दूसरे वाली है जिसमें गुंबद का छज्जा टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। बलिया रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जा रहा है, पुराने स्टेशन को अब नया रूप दिया जा रहा है, करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं और महीनों से मजदूर इस काम में जुटे हैं, नए पत्थर लगाए जा रहे हैं। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी बलिया रेलवे स्टेशन की इमारत बारिश नहीं झेल पाई और बारिश के चलते नए नवेले गुंबद का छज्जा नीचे आ गया। गनीमत है कि इस हादसे में किसी को चोट नहीं लगी है। अब छज्जा गिरने के बाद बलिया रेलवे स्टेशन का मेन गेट बंद कर दिया गया है। छज्जा गिरते ही ठेकेदार भी अपने गुनाह को छिपाने की कोशिश शुरू कर चुका है। आनन फानन में गुंबद के टूटे छज्जे को ढकवा दिया गया है। अब सवाल उठ रहे हैं कि कहीं इसमें भ्रष्टाचार की सीमेंट तो नहीं लगी थी। समाजवादी पार्टी ने तो यहां तक कह दिया है कि रेलवे स्टेशन का गुंबद ही नहीं बल्कि बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचारी और कागजी विकास का गुंबद गिरा है। इस पर छोटी सी एक जानकारी मैं आपको और दे देता हूं, सुनिए जरा। बलिया स्टेशन का निर्माण अंग्रेजों ने 1892 में करवाया था और हाल ही में मोदी सरकार अमृत भारत योजना के तहत 34 करोड़ रुपए की लागत से इसका जीर्णोद्धार करा रही है। तब जाकर के ये तस्वीरें सामने आई। बिल्डिंग पुरानी होती तो समझा जाता कि तेज बारिश में छज्जा गिर गया, लेकिन इसका तो नया निर्माण हुआ है। और खास बात है कि निर्माण पूरा भी नहीं हुआ कि निर्माण चलते चलते छज्जा नीचे आकर गिर गया। अब आप ये खुद तय कीजिए कि किस तरह का काम वहां हुआ होगा और कैसे मटेरियल का इस्तेमाल किया होगा। अब अधिकारी वही बात कर रहे हैं कि जांच होगी, क्वालिटी चेक की जाएगी, फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यानी रटी रटाई भाषा।